नमस्कार दोस्तों, आपसे लाइव होने का प्रयास चल रहा था सुबह से, बट लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट की जो एरर है उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही थी, बट फाइनली वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स या जो सम्माननीय अभिभावक हैं, प्लीज़ जो भी लाइव है वो आ जाए। अपनी अपन बात करेंगे आज नीट के बारे में कि अभी जो सिनेरियो है लॉकडाउन का, उसके दौरान नीट पर क्या सिनेरियो होगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कब तक इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है। बहुत सारे बच्चों के इस बारे में क्वेरीज अलग अलग समय पर आती रही है। मैं चाह रहा था कि उनका एक सामूहिक जवाब दिया जाए। जो भी लाइव हैं फटाफट वो आ जाए लाइव। चंद सेकंड में अपन मेन मुद्दे पर बात स्टार्ट करेंगे जी। अपने वाले फोन में आपको जवाब दिख नहीं रहा भैया। अभी भी थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चंद सेकंड में ये रिजॉल्व हो जाएगी। राजेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको एक बार। अरे आ रही भैया, क्लियर आ रही है क्या पिक्चर? और नमस्कार जी, नमस्कार सही राम जी जाखड़ धमोरा, नमस्कार विजयपाल सिंह सिंगल साहब, नमस्कार विनोद कुमार जी, नमस्कार। चलिए अपन बात करते हैं कि अभी जो सिनेरियो है उसके अंदर एक बात, तीन चार मुद्दों पर अपन बात करेंगे। एक इस मुद्दे पर बात करेंगे आज की चर्चा के अंदर कि नीट की एग्जाम कंडक्ट होने की क्या संभावना है, किस समय कंडक्ट होने की संभावना नीट और जेईई मेन की, इस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा हम ये बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रोबेबल एग्जाम का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या संभावना है कि एग्जाम कंडक्ट होगी, उसके बाद में उस समय तक हम किस तरीके से पढ़ाई करें। मेरे हिसाब से जितने भी अच्छे बच्चे हैं उन्होंने एक बार अपना सिलेबस अब तक जरूर कंप्लीट किया होगा, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि एक बार तो सिलेबस कर लिया, अब वापस किस तरीके से रिवीजन करें, कब एग्जाम होगा। क्योंकि जब अपने को ये फाइनल टारगेट पता नहीं होता है कि क्या होगा कब होगा, तो पढ़ने का मन नहीं करता है, निश्चित सी बात है। इन सारे बिंदुओं पर मैं मेरे अनुभव के आधार पर प्लस जो भी अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात करने का प्रयास करेंगे। तीसरी हमें बात ये करनी है कि जो कल से सिचुएशन आ रही है लॉकडाउन में, मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा, और जनरल अच्छी बात यह है कि सीकर के अंदर जो है इतना सारा स्टूडेंट होने के बावजूद भी एक भी केस भगवान की दया से अभी तक पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए मैं सीकर के जितने भी यहाँ एजुकेशन में काम करने वाले एजुकेशनिस्ट हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अफरोज खान सर इज ऑल्सो वॉचिंग, मियाँ सलाम, और भगवान से दुआ करते हैं कि आपके साथ जो घटित हुआ एक दुखद घटना उसके लिए भगवान आपको साहस दे। तो मैं बात कर रहा था कि अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से मैं सबसे पहले सीकर की बात कर रहा था। सीकर के अंदर एक भी केस जो रियल जेन्युइन केस है एक भी केस नहीं आया। एक केस जयपुर से आ रहा था वो सीकर में एंट्री होने से पहले रोक दिया गया, और एक केस जो था वो जयपुर एयरपोर्ट में ट्रेस हो गया और अभी वो नेगेटिव आ गया है। यानी बोलूँ तो रियल में सीकर से एक भी केस नहीं हुआ। देखिए एक फर्क है मेजर डिफरेंस का कि यहाँ जितने भी लोग हैं सीकर में जो भी एजुकेशन के लिए काम कर रहे, चाहे स्वाभिमान हो चाहे अदर इंस्टीट्यूट हो, जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई तो हम सब लोगों ने बिना डिस्कशन के अपने विवेक से एक निर्णय लिया कि ये एक बहुत सेंसिबल मैटर है और इस सेंसिबल मैटर पे फटाफट डिसीजन लेना चाहिए, और इसके अंदर कई सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती है अगर हम केवल हमारे बिजनेस की सोचेंगे। हमने नहीं सोचा और हमने प्रशासन के हल्के से इशारे पर, प्रशासन ने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट नहीं बोला कि आप हॉस्टल नहीं चला सकते, हमने हमारे स्वयं विवेक से और आने वाली इस बड़ी आपदा की तरफ ध्यान देते हुए एक निर्णय लिया और सारे इंस्टीट्यूट ने अपने अपने हॉस्टल से बच्चों को गाँव भेज दिया।
और आप देखिए आज सीकर में पढ़ने वाला हर बच्चा, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, वो सेफली अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ अपने गांव में है और वो कोरोना से अपने आप को आइसोलेटेड किए हुए अपने पेरेंट्स के साथ और घर पे बैठ के प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है। आप देखिए एक दूसरी कोचिंग इंडस्ट्री कोटा के अंदर भी ऐसा सिनेरियो था, बट कोटा में मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता, बट जो भी बात रही ये अच्छी बात नहीं थी कि लॉकडाउन से पहले उन्होंने सही डिसीजन टाइम पर नहीं लिया होगा या जो भी सीन रही। पहले भी कोटा में पॉजिटिव नहीं था, तो जब तक पॉजिटिव नहीं था बच्चों ने या हॉस्टल वालों ने ये सोचा कि चलो सब संभल जाएगा, हो सकता संभल जाएगा, उम्मीद के चक्कर में। अभी आप देखिए क्या सिचुएशन है, 40,000 बच्चा वहां फंसा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बसों के द्वारा भेजना पड़ रहा है। आपको बता दूं हिंदुस्तान में दूसरा बड़ा एजुकेशन का सेंटर है सीकर, है ना, बट सीकर में एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसके दौरान किसी भी स्कूल किसी भी कोचिंग के बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत हुई हो, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिबल तरीके से काम करते हैं बच्चे के साथ जुड़ के। दूसरी मैं बात कर रहा था नीट के प्रोबेबल एग्जाम की पॉसिबिलिटी के बारे में, तो देखिए मई के फर्स्ट वीक में लॉकडाउन जहां तक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके हिसाब से मैक्सिमम मैटर में ये हट जाएगा। उस सिचुएशन के दौरान जो है जो अपनी स्कूल्स की विधिवत क्लासें कोचिंग्स की विधिवत क्लासें शायद ना शुरू हो, बट एग्जाम्स कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बोर्ड के जो भी एग्जाम ड्यू हैं, आप कई इसमें से बायोलॉजी के बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे एग्जाम तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी जब तक सारी सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, मैथ्स का बाकी है और मैं भी बाकी है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक बोर्ड का एग्जाम कंप्लीशन नहीं माना जाएगा और कोई भी 12th बोर्ड बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो मई के फर्स्ट वीक यानी मैं मानता हूँ मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 मई तक बोर्ड के जो रिमेनिंग एग्जाम्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद सारे अरेंजमेंट्स की बात करें रिजल्ट्स डिक्लेरेशन की और सारी बात, तो मैं मानता हूँ कि मई के लास्ट तक शायद ही नीट या जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट हो, बट इस बात की पूरी पूरी संभावना है एनटीए की तरफ से जो भी रुझान आ रहे हैं उनके आधार पर भी कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर 100% नहीं कह सकता मैं, बट 99.9% जो 10 to 100% होता है ये दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास 10 days अप्रैल के हैं और मोटा मोटा माने तो 30 days या 27 days जो है आपके पास रिमेनिंग है नीट के, है ना, तो एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनकी तैयारी हल्की रही है वो अब नए सिरे से जुट जाइए, क्योंकि अब आपके पास जो एग्जाम की डेडलाइन लगभग दिमाग में रख के चलिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ दी जून के अंदर 100% आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है। उस संभावना को ध्यान में रखकर के आपको अपने आप की तैयारी करनी, उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है, क्लियर। अब उस ड्यूरेशन तक आप अपने आप को कैसे पढ़ेंगे, गांव में है वहां माहौल नहीं है या पेरेंट्स के साथ है, तो उसमें देखिए भैया जो इंसान प्रतिकूल कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, मेरा पर्सनली मानना डॉक्टर बनना ही वही चीज, और मेरा मानना है कि पीएम नीट के एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ जो डेली लाइफ है उसमें कितने पारंगत है उसका भी एक एग्जामिनेशन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोरोना ने इस बार एक रियल में एक डॉक्टर के सिलेक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन के एग्जाम से एग्जाम कंडक्ट कराया है। इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना एक अच्छी पॉजिटिव इंसान की बात होती है, और मुझे जो नजर आ रहा वो ये एक मैं बहुत सिंपल सी बात आपसे करता हूँ फेसबुक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक बात बताइए आप एक हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट के HOD हैं और आपकी OT ऑपरेशन टेबल के ऊपर एक पेशेंट है और वो पेशेंट बहुत क्रूशियल कंडीशन में है और उस समय आप खुद भी किसी टेंशन से गुजर रहे हैं और आप मेंटली सेट नहीं है, आपको काम करना है, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको उस एक लाइफ एक जिंदगी जो हो सकता है कितने लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, एक शख्सियत आपके सामने टेबल आपके ऑपरेशन टेबल पर है और आप मेंटली सेट नहीं है, और आप अगर मेंटली सेट नहीं होने के कारण आप एक निपुण डॉक्टर होने के बावजूद भी उसका सफलतापूर्वक बढ़िया ऑपरेशन नहीं कर पाए और दुर्भाग्य से अगर वो इंसान ऑपरेशन टेबल से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाता है, तो मेरे एक प्रश्न का यक्ष प्रश्न का सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए था?
मेरा जवाब है कतई नहीं। चाहे आप अपने कंपटीशन एग्जाम के टॉपर हो, आप अपने मेडिकल कॉलेज के टॉपर हो, बट रियल में आप एक डॉक्टर के कर्तव्य के लिए एक विफल डॉक्टर कहलाओगे। तो इसलिए अगर वाकई अगर आप में एक डॉक्टर के गुण है तो आप इस बात समझिए, आपने बहुत लाई खुली आंखों से देखा होगा किस तरीके से पूरे दुनिया की आंखों ने, दुनिया के दिलों ने, दुनिया के हाथों ने आप डॉक्टर्स के प्रोफेशन को सल्यूट किया। क्योंकि जब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जब अर्थव्यवस्था हाथ खड़ा कर देती है, संसाधन टेक्नोलॉजी सब हाथ खड़ा कर देते हैं, उस समय या तो हमारा हाथ भगवान के दर पे फैलता है या डॉक्टर के दर पे फैलता है। और आप उस कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, जेंटलमैन जो भी पीएमडी की तैयारी कर रहे हैं या जिसके भी अड़ोस पड़ोस में या जानकार जो पीएमडी का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद क्लियर बता दीजिएगा कि मुझे बताइए कि आपको पढ़ाई करने में जोर आ रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि रियल में आप डॉक्टर बनने को डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि डॉक्टर को हमेशा इस कंडीशन में काम करना होता है, डॉक्टर प्रोफेशन ही ऐसा होता है जिसमें आप कभी भी 100% फ्री होकर के आप काम नहीं कर सकते। आप कोरोना तो चलो एक इन्फेक्टिव डिजीज है, बट हमेशा ही एक डॉक्टर की खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर तलवार हमेशा लटकी हुई रहती है, हमेशा ही उसको क्रिटिक कंडीशन के अंदर काम करना होता है। तो जब आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये निश्चित सी बात है कि ये कोरोना एग्जामिनेशन सही मायने में आपके व्यक्तित्व का एग्जामिनेशन है कि आप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हो सकता है कि पीएमडी में सेलेक्ट होने लायक तैयार हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व भी कोरोना के अकॉर्डिंग तैयार है, मतलब आपके डॉक्टर के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग तैयार है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए कोरोना आपकी लाइफ के अंदर आया है। जो बच्चा इस बात को समझता है कि डॉक्टर हर हाल के अंदर वो डॉक्टर बनना चाहिए जो हर सिचुएशन में अपने को स्ट्रेस फ्री रखे, अपने आप को जो भी विकट से विकट कंडीशन हो उसके अंदर अपने आप को ढाल सके, उसको सही मायने में डॉक्टर बनना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि उसी दौर से आप सभी गुजर रहे हैं, जितने भी भावी डॉक्टर्स हैं जो इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना इस समय भगवान या आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम या जिस भी दर पर या जिस पे जिस सजदे पर आपके सीट झुकते हैं, वो आपका एग्जाम ले रहे हैं इस बात के बारे में कि आप सेलेक्ट होने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सनैलिटी कितने डॉक्टर बनने के काबिल है। अगर इस एग्जाम में आप पास हो गए, आपने अपने आप को इन स्ट्रेस भरे माहौल के अंदर, कम पढ़ाई के माहौल के अंदर भी अपने आप को पढ़ाई के लिए कंटिन्यू रखा और आप इस एग्जाम में पास हो गए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप निश्चित तौर पर आप अपने अगले पड़ाव में नीट के एग्जाम में भी क्वालिफाई होंगे। चलिए, तो ये तो बात थी कि अब मेरे हिसाब से जिसके दिमाग के अंदर भी ये टेंशन हो कि हम कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं कहूंगा कि यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सिचुएशन होगी तो पढ़ेंगे, माहौल होगी तो पढ़ेंगे, माहौल अच्छा होगा तो हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज कर देंगे, आप खुद स्ट्रेस होंगे तो ऑपरेशन टेबल में मार देंगे, ऐसे डॉक्टर आप ना बने तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रोफेशन के लिए आप बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हम जनरली हमेशा हमारे स्पीच में बोलते थे पढ़ने वाले बच्चों को कि डॉक्टर एक सोसाइटी का बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसमें जब कोई बच्चा जाता है तो उसको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। बट इस बार आपने लाइव देखा है, आपके डॉक्टर बनने से पहले आपने लाइव देखा है, अगर कभी भी आप चाहते हैं कि इस प्रोफेशन को आप सेलेक्ट करें तो देखिए किस तरह की इज्जत आपको समय समय पर सोसाइटी देती है। दूसरी बात, ये तो थी बात दिल की, अब मैं बात करता हूं आईक्यू की और प्रैक्टिकल बात। तो आपको ये बता दूं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, वो है क्या कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में आपके पास मेडिकल बैकअप कितना है। और बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की ये साबित कर चुकी हैं कि उनके पास डॉक्टर और पेशेंट रेशियो कितना ही स्ट्रांग हो। आप इटली का देख लीजिए, आप जापान का देख लीजिए, उनके पास डॉक्टर और पेशेंट रेशियो बहुत बढ़िया है, यानी बहुत कम लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, बट फिर भी आप देख पा रहे हैं उन लोगों ने एक अच्छे मेडिकल मैनेजमेंट का, एक अच्छे ड्रास्टिक मैनेजमेंट का परिचय नहीं दिया है। तो ये बात इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। क्योंकि ये कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये कोरोना इंसान को और इस दुनिया की सारी अस्तित्व को चैलेंज करने वाला एक
क्योंकि इस समय तक जितने भी लोग हैं, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो मुझे देख पा रहे होंगे वो 20s से 40s 50s की रेंज, एज रेंज होंगे, आप देख पा रहे होंगे, आपने अपनी उम्र में कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि किसी भी एक कारण से पूरी दुनिया लॉक हो, पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था रुकी हुई हो, हर चीज रुकी हुई हो और लोग घरों में हो। तो ये कोरोना सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो जाएगी और सारी चीज नॉर्मल आ जाएगी, आने वाले वक्त के अंदर ये कोरोना दुनिया और दुनियादारी और जीवन को चलाने के बहुत सारे तरीके बदल के हमारे सामने आएंगे और उसमें जिस प्रोफेशन को आप चुन रहे हो, मेडिकल प्रोफेशन, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेडिकल रिसर्च एक बहुत बड़ी बूम के साथ एक नया करियर आएगा, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिक्वायरमेंट आने वाले समय में आएगी। तो जो भी इसको अपना करियर बना के प्लान कर रहा है उसके लिए बहुत गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज कोई भी मेडिकल फील्ड में एंटर करेगा उसको पास आउट होकर 5 साल के अंदर जब डिग्री मिलेगी उस समय एक बूम करियर होगा और वो बूम करियर आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इसलिए इस समय को ना गंवाएं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और इस नोबल मेडिकल प्रोफेशन को चूज करें, तो आप आने वाले टाइम के अंदर सोसाइटी के अंदर बहुत एक रेस्पेक्टेड पीपल होंगे, प्लस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखें तो आने वाले टाइम में ये प्रोफेशन बहुत ही एक नोबल कॉज के साथ साथ एक अच्छा अर्निंग वाला प्रोफेशन है, आपको निश्चित तौर पर चुनना चाहिए। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज ये जो चीज सिखाएगा वो ये सिखाएगा कि टेक्नोलॉजी में हमारा देश या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी दुनिया, हम अगर ग्लोबली बात करें, भले ही हम कितने ही एडवांस हो गए हों, लेकिन जो बेसिक लाइफ के फंडे हैं उनके अंदर लोगों को बहुत नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा चेंजेस लोगों के अंदर आएगा। बहुत लोगों ने मौत को तो नहीं देखा लेकिन मौत क्या होती है इसको बहुत करीब से महसूस किया। मतलब एक टाइम होता था जब हम ये सुनते थे कि एक्सीडेंट हुआ सालासर रोड पर, 5 लोग एक साथ मर गए, तो एक बड़ी करुणा का भाव पैदा हो जाता था कि एक साथ 5 लोग मर गए। पर अब हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल के अंदर हर तीसरी लाइन ये होती है कि आज एक साथ 15 लोग इस जगह से, 20 लोग इस जगह से, और हमें महसूस लगने लग गया कि एक आदमी की कीमत कितनी कम रह गई है। हम ये कहते थे जब अमेरिका से हमारे कई फ्रेंड्स वहां से रिटर्न होकर आते थे और वहां के हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल को हमारे सामने एक्सप्लेन करते थे तो ऐसे लगता था कि शायद धरती पर कहीं स्वर्ग है, अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से तो शायद वो ऐसी कोई जगह रहती होगी। इटली की बात करते थे लोग, आप देखिए वहां त्राई त्राई मचा हुआ है, और मैं बड़े गर्व से बात कह सकता हूं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा, बट सबसे कम फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारी इकॉनमी रूरल बेस इकॉनमी, क्योंकि पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है तो हमारे कोरोना से ज्यादा असर आता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी का जो रूट है वो खेतों में है, वो गांव में है, और कोरोना ने भी हमारी उस मैकेनिज्म को सबसे बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो कहाँ आए हैं, ऐसा नहीं कि गांव में लोग रहते नहीं है, गांव के लोगों ने सोशल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। आपको जानकर हैरानी होगी बट 98% कोरोना पॉजिटिव जो है वो टाउन्स में या मेट्रो सिटीज के अंदर है, 95% से 98% के करीब। हमारे गांव, हमारी जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की मेन जो नींव है वो आज भी हमारी सुरक्षित है। वी विल ग्रो अगेन, डोंट वरी, ये क्षणिक शोक है लेकिन ये बहुत दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज देगा। प्लस आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया हमेशा से ही इंडियन मैनेजमेंट की तारीफ करती रही है। हमारे लोग MBA करके जितने बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ से मेडिकल प्रोफेशन से सेलेक्ट होकर के डॉक्टर बन के फर्दर रिसर्च में या फर्दर स्टडीज के लिए या एज ए मेडिकल प्रोफेशन चूज करके आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहां पर एक बेहतरीन डॉक्टर साबित होते हैं। इसके पीछे कारण हमारी आबोहवा, हमारा लालन पालन और हमारा वातावरण है जिसके अंदर हम पल बढ़ करके बड़े होते हैं, तो बहुत सारी ड्रास्टिक मैनेजमेंट जो है हम बचपन में ही सीख जाते हैं, और उसमें हम सबसे बड़ा चीज सीखते हैं कि हम पैनिक नहीं लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन दिनों में आप किसी को भी एक फोन मिलाएं तो वो आपसे आधे घंटे से कम बात नहीं करता क्योंकि बहुत फ्री है लोग, तो ऐसा आप महसूस होता है। तो मैंने बड़े बड़े लोगों से बात करी तो पता नहीं क्यों
उनकी बातों के अंदर एक अजीब सी अनसिक्योरिटी मैं महसूस करी। एट द सेम टाइम मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों से बात करी जो मीडियम क्लास से हैं या बिलो मीडियम क्लास से हैं, उनके अंदर अजीब सा एक कॉन्फिडेंस देखा कि वो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए मेंटली, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, हो सकता है कि जो एक फर्स्ट क्लास लाइफ जीवे, प्रथम श्रेणी के रहने वाले लोग हैं, उनके पास जिंदगी जीने के लिए आवश्यक संसाधन ज्यादा होंगे, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके अंदर जो एक मेंटल टेम्परामेंट है वो बहुत गजब का है। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की जो एक बड़ी मिडिल क्लास की जो तादाद है, बहुत जल्दी से देश को इस कोरोना के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से गुजरेगी। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ हमारे ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है, वो एक मेंटली बहुत स्ट्रांग बच्चा होता है। इस कोरोना को हम बहुत जल्दी भुला देंगे, हमारी लाइफ की पटरी और जीवन को बहुत जल्दी खुशहाल करके उसी सामान्य प्लेटफॉर्म पे हम लौट आएंगे। आपको तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th पास करके घर बैठा हो, चाहे 11th पास करके घर बैठा हो, 12th पास करके घर बैठा हो, तो पास का मतलब एग्जाम दे दिया हो, अगर बैठा है तो इस समय को जाया नहीं करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्वाभिमान के साथ जुड़िए, ये तो मैं हूँ तो निश्चित सी बात है, बट मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्लेटफॉर्म आप बेहतर समझते हैं उससे जुड़िए और उसके साथ जुड़िए, जुड़ के इस समय को यूज कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। क्योंकि जो लोग अर्ली स्टार्ट कर देंगे वो आपसे बहुत स्टार्ट होंगे, क्योंकि सोचिए जो टॉपिक ऑनलाइन 2 या 3 टॉपिक बच्चा पहले पढ़ लेगा उसके साथ सबसे बड़ा फायदा ये कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, सीख पाएगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। आप जुड़िए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, चाहे दिन में 2 घंटे ही सही, 8-10 घंटे वाले स्टूडेंट्स कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते हैं, हमें वो स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो रेगुलर पढ़े 2 या 3 घंटे पढ़े। 3 घंटे भी रेगुलर पढ़ता है वो स्टूडेंट कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो जितने भी लोग हैं मेरे सिर्फ FB पे जुड़े हुए, उन सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरिए, और जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, आपके किसी भी एज ग्रुप के दोस्त हैं, मैं आपको बहुत सही कहता हूं, आप हर नेगेटिव चीज के अंदर पॉजिटिव ढूंढिए। और सर कोरोना में क्या पॉजिटिव हो सकता है, हम सब काम धंधा छोड़ घर बैठे हुए, अरे भाई आपके इतने सालों के आयु काल के दौरान कभी भी आपने इतने फुर्सत के लम्हे अपने परिवार के साथ नहीं बिताए होंगे। इसकी कीमत आप डॉलर्स दुनिया की किसी महंगी से महंगी इकोनॉमी के अंदर कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी जिंदगी का सबसे वर्थ बाइंग टाइम था। इस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज कीजिए और मस्त होकर के लाइफ को जिए। निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा आपका समय जाया हुआ है, ये लाइफ के अंदर बीच में एक ब्रेक लेकर के वापिस से सोचना है जिंदगी क्या है, हम इतने दिन तक किसके लिए दौड़ भाग कर रहे थे, सही मायने में क्या हमने जीवन के असूलों पर काम किया, हम मेंटली, हम फिजिकली, हम कितना जल्दी घबरा जाते हैं या मेंटली कितने मजबूत है, इन चीजों पर काम करें। और घबराए नहीं, बहुत जल्दी हम कोरोना को मात देंगे। हम इसलिए भी मात देंगे बिकॉज वी आर इंडियंस, हम तब भी नहीं घबराए थे जब हजारों आक्रांता थे, हमारे पास यहाँ संविधान की कमी थी, ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं थी जो उनको खदेड़ सके, हमने उन विदेशी अंग्रेजों को भगा दिया, हमने उन हजारों विदेशी आक्रांताओं को जो हमारे यहाँ से लूटपाट के लेके जाते थे, हमारी इज्जत के साथ, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते थे, तब भी हमारी संस्कृति कायम थी, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था कायम थी, हम उस मनु की संतान हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में कोरोना से सबसे पहले निजात अगर मिलेगी तो वो ये धरती है। और आप खुश नसीब हैं कि इस धरती में पैदा हुआ, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।